तो हाँ जी, यानी उसकी अभिलाषा, उसका फूल अभिलाषा कहते हैं, उसकी क्या अभिलाषा है, फूल की क्या इच्छा है। प्रस्तुत कविता देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित, जो ये कविता है, वो देश की भावना की ओर प्रेरणा देती है। उसके लिए अभिलाषा है कि उसे उस पथ पर फेंका जाए। पथ कहते हैं रास्ता, पथ किसे कहते हैं, रास्ता। इच्छा इच्छा जिस पद से मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने वाले, कुर्बानी कहते हैं बलिदान। बलिदान इसको ही शहादत कहते हैं। हाँ जी, देने वाले वीर निकलते हो, वे ना तो अप्सरा के गहनों से उतना चाहता है। अप्सरा कहते हैं देवलोक की जो कन्या होती है, उनको कहते हैं अप्सराएं, और गहनों कहते हैं श्रृंगार, और ना ही सम्राटों के सम्राट कहते हैं राजा। सम्राट किसे कहते हैं, राजा। शवों पर समर्पित होना चाहता है, शव शव कहते हैं मृतदेह, मृत शरीर, मृत शरीर कहते हैं इसी को, पार्थिव देह कहते हैं। वह देवताओं के सिर पर भी चढ़कर जाना नहीं चाहता है, अपने खिलाफ तो गर्व नहीं करना, घमंड नहीं करना। तो प्रस्तुत करता देश प्रेम की भावना है, जब उसके उस पर निकल जिस पद से मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने वाले भी निकलते हो, तो उसकी क्या अभिलाषा है कि मुझे उस मार्ग पर देखना, जिस मार्ग से जो वीर जवान व्यक्ति शहीद होते हैं, शहादत को प्राप्त होते हैं, मातृभूमि के लिए कुर्बानी देते हैं, तो अपना आप सबके सर्वस्व करते हैं, उस रास्ते पर देखते हैं।
तो उस माला का भी वो पुष्प नहीं बनना चाहता है, वह भी इसकी इच्छा नहीं है पुष्प की कि भाई कोई मुझे माला में गूंथ के किसी के गले में डाले, ऐसे भी ऐसे मेरे पुष्प उसकी इच्छा नहीं करता है। चाहे नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, हे भगवान, हे हरि का मतलब हे भगवान, हे हरि से तात्पर्य है अरे भगवान, भगवान भगवान चाहे नहीं सम्राटों के सब पर डाला जाऊं, यानी कवि कहता है उसकी ये इच्छा भी नहीं है कि जो राजा है, राजा लोग जब पार्थिव देह हो जाते हैं उनकी, तो जब उसके पुष्प उनके पार्थिव देह पर पुष्प समर्पित करते हैं तो वह पुष्प उनके शरीर पर भी नहीं चढ़ना चाहता है, चाहे नहीं देवों के सर पर चढ़ू भाग्य पर लाऊं, और वह देवताओं के सर का भी पुष्प नहीं बनना चाहता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, हे भगवान मुझे सम्राटों के शरीर पर भी ना डाला जाए, और मेरी इच्छा भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ करके मैं अपने भाग्य पर घमंड करूं, गर्व करूं, अपमान करूं, दर्द करूं, ऐसा भी नहीं करना चाहता। अंत में पुष्प की क्या विलासा है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, बनवाली से तात्पर्य जो मन का स्वामी होता है उससे तात्पर्य, हे पद के मालिक हे मन के स्वामी तुम मुझे तोड़ लेना, उस पद पर देना तुम्हें, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, मुझे बिछा देना कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पद पर जाए भी रहे, कि जिस रास्ते से मातृभूमि पर अपना अपना बलिदान देने के लिए जिस रास्ते से वीर सैनिक निकलते हो तो पुष्प की क्या विलासा है, पुष्प की अंत यह विलासा है जिस मार्ग से जो भारत के वीर सपूत मातृभूमि के लिए अपने आप को न्योछावर करने के लिए जाते हैं उस रास्ते पर मुझे बिछा देना, यही मेरी उसकी पुष्प की अंतिम अभिलाषा है, अंतिम इच्छा है, यही उसी की पराकाष्ठा है। तो इसके लेखक है श्री माखनलाल चतुर्वेदी, जिसके नीचे जो आपके शब्दार्थ लिख रहे हैं वो आपको कंटिन्यूअस लिखने हैं, नोटबुक में उतारने हैं। अब अपन आते हैं क्वेश्चनों पर, इस पर क्वेश्चन आज कवि ने किस भावना से प्रेरित होकर यह कविता लिखी है, तो कवि ने देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर के यह कविता लिखी है, देश भावना, देश की राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर के यह कविता लिखी है। और पुष्प की सेकंड क्वेश्चन है कि पुष्प की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है पुष्प की, तो पुष्प की अभिलाषा है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना, बिछा देना, या मातृभूमि के कुर्बान, मातृभूमि के लिए कुर्बानी देने वाले वीर सैनिक जिस मार्ग से निकलते हो उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। पुष्प क्या नहीं चाहता है, पुष्प ना तो अप्सराओं के गहनों का हार बनना चाहता है, ना वो सम्राटों के शवों पर चढ़ना चाहता है, और ना ही वो देवताओं के सिर पर चढ़ना चाहता है। पुष्प के मन में कौन सी भावना है, पुष्प के मन में कौन सी भावना है,
क्योंकि वह मात्र भूमि के लिए अपना आत्म सर्वस्व समर्पण करना चाहता है। उसकी अभिलाषा क्यों है? क्योंकि वह मात्र भूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करना चाहता है और उसके मन में कौन सी भावना है, यानी वीर जो सैनिक हैं उनके प्रति राष्ट्र भावना, क्या भाव, कौन सी भावना, राष्ट्र भावना और देश के प्रति सम्मान की भावना उजागर करती है। पुष्प बनवाने से क्या इच्छा प्रकट कर रहा है? पुष्प बनवाने से इच्छा प्रकट कर रहा है कि हे वन के स्वामी, जिस मार्ग से मातृभूमि के लिए जो बलिदान देने वाले इस वीर सैनिक निकलते हो, उस रास्ते पर मुझे पीछा देना, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना, ये पुष्प की अंतिम इच्छा है। ये पुष्प क्या है? अंतिम इच्छा है कि नहीं है? क्वेश्चन आंसर अभी आपको मैं भेज देता हूं। आपको क्लास सिक्स के लेसन नंबर जो भी रह गए हैं, क्या मैंने वो करा दिए, भेज दिए, नहीं भी भेजे हैं उनके भी मैं आप सभी को भेज देता हूँ, सेंड कर दूंगा। ठीक है भाई? सर बंटू सिक्स भेज देना जी। सर बंटू सिक्स भेज देना। ओके सर, वन टू सिक्स भेज देंगे सर, सभी को भेज दूंगा, वन टू फर्स्ट टू एट भेज दूंगा। ठीक है सर, चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर भेज देना, भेज दूंगा। और जिन्होंने पहले जो कर लिए हैं, जो मैंने करा दिए उनको आप छोड़ देना, जो जो और जो छात्र बाद में जुड़े हैं उनको सभी को कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? और कोई समस्या हो तो बताएं। हाँ जी, क्लास एंड कर दें, आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर देंगे। ठीक है सर? यस सर।